क्या आप बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 गलतियों के बारे में जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ कम हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और उसके बाजू वाले घंटे को भी जोर से बजा दो ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली गलती पे, जो है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो इसको समझने से पहले हमें ट्रेनिंग वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग वॉल्यूम इज नथिंग बट सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट। अब हर बार जब आप एक एक्सरसाइज करते हो ग्रेजुअली आपको ये ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाते रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी पुशअप्स किए, वेटेड पुशअप्स 5 सेट्स 5 रेप्स 5x5 विद 20 kg। इस बैग में 20 kg है, अभी खोल के दिखाना नहीं चाहता, बहुत टाइम वेस्ट होगा सच में। बट नाउ व्हेन आई से प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अगली बार जब मैं ये सेम एक्सरसाइज करूंगा 5 सेट 5 रेप्स 20 kg के साथ नहीं करूंगा, 22.5 kg के साथ करूंगा। अब ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिर्फ एक तरीका है। एक और चीज जो मैं कर सकता हूँ जिससे मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं 5 सेट्स की जगह 6 सेट्स कर सकता हूँ, इससे मेरा टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक और चीज जो मैं कर सकता हूँ, वेट को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों सिनेरियोज में पिछले केस से ज्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम है, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप पिछले 2 महीने से बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो 10 kg के 3 सेट 10 रेप, हर बार आपके बाइसेप वर्कआउट में वही रहता है 3 सेट 10 रेप और एक सेम वेट, तो ऑब्वियसली आपके बाइसेप्स ग्रो नहीं करेंगे। शुरू में करेंगे, उसके बाद वो उनको आदत लग जाएगी उतने ट्रेनिंग वॉल्यूम की। आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, या आप सेट्स बढ़ा दो या रेस्ट पीरियड्स को कम कर दो, वो भी एक तरीका है, या तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा या रेप्स बढ़ा सकते हो। ओवरऑल ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाना है हमेशा, एक मसल ग्रुप के लिए एक एक्सरसाइज के लिए हर वक्त ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाते रहना। मिस्टेक नंबर 2, नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। देखो आपका मसल जो है वो प्रोटीन का बना होता है, जब आप वर्कआउट करते हो मसल को डैमेज करते हो उसके बाद वो रिपेयर करता है, उस रिकवरी प्रोसेस के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि वो रिकवर ही नहीं कर पाएंगे और रिकवरी के टाइम होती है मसल ग्रोथ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना बॉडी वेट लो केजी में, उसको 1.75 से मल्टीप्लाई करो और जो भी नंबर आता है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्लीज हर रोज लो। अब अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डाइट से कंप्लीट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो जस्ट टू बी सेफ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं मसल नेक्टर का वे प्रोटीन आइसोलेट यूज कर रहा हूँ, पर्सनली यूजिंग चॉकलेट फ्लेवर एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। मसल नेक्टर अपने प्रोडक्ट में कोई एडेड कलर्स यूज नहीं करते, ना ही वो फिलर्स यूज करते हैं। यूजुअली जब आप प्रोटीन शेक्स पीते हो तो आपकी एपेटाइट काफी टाइम तक चले जाती है, आपको खाने का मन नहीं करता, विच इज वेरी बैड फॉर योर मेटाबॉलिज्म। तो इनके प्रोडक्ट में ये फिलर्स नहीं होते, विच मेक्स इट रियली रियली गुड। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है जो आपको अब्सॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डेफिनेटली चेक देम आउट, उनके सारे फ्लेवर्स को चेकआउट करना, आई एम श्योर यू गाइस विल लाइक इट। अगर फिर भी बाय चांस आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप उनके वेबसाइट के थ्रू एक रिफंड ले सकते हैं। कुछ हाई प्रोटीन फूड्स जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, एग्स, चिकन, फिश, अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल, राजमा, चना, टोफू, पनीर, ये सब चीजें इंक्लूड करो अपनी डाइट। अगली मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, ईगो लिफ्टिंग और नॉट लिफ्टिंग विद प्रॉपर फॉर्म। देखो जब आप गलत फॉर्म से लिफ्ट करते हो ना तो वेट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचता है? देखो यार खुद से झूठ मत बोलो, अगर आप बहुत ज्यादा वेट उठा सकते हो वेरी गुड, अच्छे फॉर्म से उठा सकते हो सिर्फ देन वेरी गुड। अगर आप बहुत बेकार फॉर्म से बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो तो आपके मसल पे कोई स्ट्रेन नहीं है, आपका बिल्कुल मसल डैमेज नहीं हो रहा। अगर आप बाइसेप कर्ल ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आपका मतलब सिर्फ इंजरी ग्रो होगा और कुछ नहीं, बेकार जोक था। अपने एक्सरसाइज पे वेट बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करना, फॉर्म को सैक्रिफाइस मत करना। मिस्टेक नंबर 4, आप हर 2 मिनट में अपना गोल बदल देते हो। देखो अगर आपने अभी अभी वर्कआउट चालू किया है, आपको कुछ महीने हुए, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू, मैं भी उसी मेंटालिटी से गुजर चुका हूं, मुझे भी वही सेम चीजें हुई है। कभी मन करता है कि यार मसल गेन हो जाए, फिर मिरर में देखते हो फिर लगता है आज नहीं है, ये सब होता है गाइस। लेकिन देखो आपको एक गोल के पीछे कमिटेड रहना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसल गेन करना है तो बहुत मोटा होना पड़ेगा, बट आप बहुत अंडर ईटिंग नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े डेफिसिट्स में नहीं खा सकते। तो जब आपको मसल गेन का जोश चढ़ता है, आप थोड़ा बहुत सरप्लस में खाते हो, मेंटेनेंस के आसपास खाते हो, उसके बाद आपको आब्स चाहिए सडनली, और फिर आप बड़े से बड़े डेफिसिट में खाओगे, इसका क्या मतलब हुआ? ये अगर आप करते हो तो प्लीज स्टॉप नाउ। द नेक्स्ट मिस्टेक इज अंडर ईटिंग कैलोरीज। देखो गाइस आपको बहुत बड़े बड़े सरप्लस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अंडर ईटिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी मसल गेन नहीं करोगे नो मैटर हाउ मच यू वर्कआउट।
तो अगर आपके प्लेट में इतना खाना है कि उसको देख के लोग समझे कि ये चिड़िया के लिए है, तो प्लीज थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाओ। देखो इतने सारे स्टडीज सुन सुन के मेरा भी दिमाग पक जाता है। कभी कोई कहता है थोड़ा सरप्लस चाहिए, कभी कोई कहता है डेफिसिट में पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ क्या पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, आप बहुत ज्यादा अंडर ईटिंग मत करना। स्लाइट डेफिसिट अगर आपको रखनी है वो रख सकते हो, मेंटेनेंस पे रखो। सरप्लस में आई वुड से कि रख सकते हो, बट रीसेंट स्टडीज आर शोइंग दैट यू डोंट नीड टू बी इन अ सरप्लस। बट फिर भी अगर आपको बहुत स्लाइट सरप्लस रखना है, गो अहेड, आपका फैट गेन ज्यादा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। फालतू में मतलब मील स्किप करते रहते हो कि मूड नहीं है नहीं खाऊंगा, आप इतना लाइटली अपने डाइट को नहीं ले सकते। जब आपके मील खाने का टाइम है तो है। आखिरी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस आपके लिस्ट में, मतलब बाइसेप्स के 10, ट्राइसेप्स के 20, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस जरूरत नहीं है गाइस। 2 या मैक्सिमम 3 एक्सरसाइजेस बहुत होते हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होते हैं ना, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इससे अच्छा 2 या 3 एक्सरसाइजेस लो, उनको परफेक्ट करो, उनपे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाओ, और फिर आपको चाहिए तो आप एक एक्सरसाइज को बाहर निकाल के दूसरे एक एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। इसी तरह आप एक्सपेरिमेंट करना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ यार। बताओ वो भी इनमें से कोई एक गलती कर रहे हो और उनके गेन्स रुक रहे हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। चलो शेयर करो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।